हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की जोड़ी सदा से अमर है। जहाँ हरि वहीं श्री, और जहाँ श्री वहीं हरि, यानी श्री हरि इस पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के कण कण में हैं। विष्णु भगवान की जब पूजा की जाती है बिना माँ लक्ष्मी के नाम लिए, उस पूजा को अधूरा माना जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की श्री हरि आज तक अमर हैं, कल्कि अवतार ने जैसे ही जन्म लिया, उनके लिए भी उनके अकॉर्डिंग उनका ही मैच पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए था तैयार। माँ पद्मावती जो कौमुदी और बृहद्रथ की राजकुमारी यानी बेटी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी माँ लक्ष्मी की अवतार माँ पद्मावती ने इस धरती पर जन्म इसलिए लिया क्योंकि कल्कि देव से उनका विवाह होना तय है। किसने दिया उन्हें वरदान कि एकमात्र कल्कि देव ही वो राजकुमार होंगे जो राजकुमारी पद्मावती के लिए सबसे सुटेबल मैच होंगे, और जो कोई उनकी तरफ वासना भरी दृष्टि से देखेगा वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एक औरत के रूप में, यानी किसी भी मर्द की, किसी भी जेंट्स की, मेल मेंबर की यदि कुदृष्टि माँ पद्मावती के ऊपर पड़ती है तो उनका विनाश निश्चित है, यानी वो तुरंत औरत में बदल जाएगा वो इंसान। ऐसा विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कल्कि पुराण में जहाँ कल्कि देव के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है, चैप्टर नंबर 4 ऑफ कल्कि पुराण में ये बातें लिखी गई हैं। जिस प्रकार कल्कि देव भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक, उनके गुरु परशुराम भी भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक, उसी प्रकार माँ पद्मावती भी जो स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार, वो भी शिव शक्ति की बहुत बड़ी उपासक, और उनकी उपासना से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि एकमात्र उनसे विवाह करने के लिए जब कल्कि देव इस धरा पर आ चुके हैं तो उससे बेहतर विकल्प, उससे सुटेबल मैच कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ईश्वर ने बनाकर ही धरती पर भेजी है। जिस प्रकार कल्कि देव इनविजिबल हैं लेकिन अपना कार्य कर रहे हैं, माँ पद्मावती भी इनविजिबल रहकर अपना कार्य कर रही हैं और कल्कि देव के मिशन में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। माँ पद्मावती की अष्ट सखियाँ जो हमेशा उनके साथ रहेंगी, ये वही अष्ट सखियाँ हैं जो राधा रानी को बहुत प्रिय थी और हमेशा उनके साथ रहती थी, एवं सुखदेव डिवाइन पैरट के रूप में माँ राधा रानी के साथ हमेशा रहते थे। इस जन्म में भी माँ पद्मावती के साथ सुखदेव यानी वो डिवाइन पैरट जिन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिन्हें हर चीज़ का ज्ञान है इस धरा पर, जिनके पास भागवत पुराण का पूरा ज्ञान है, वो मैसेंजर के रूप में रहेंगे कल्कि देव और माँ पद्मावती के साथ। दोनों के बीच एक दूसरे का मैसेज इधर उधर पहुँचाएंगे, और इस प्रकार सुखदेव, अष्ट सखियाँ एवं दोनों के बीच जो मैसेज पहुँचाएंगे वो डिवाइन पैरट ऑलवेज माँ पद्मावती के साथ, उनके साथ उनके घर पर, या यूँ कहिए कभी कल्कि देव के साथ रहेंगे। सिर्फ सुखदेव, अष्ट सखियाँ तो माँ पद्मावती के साथ रहेंगी क्योंकि उनकी रक्षा के लिए
भी जैसे राजकुमारी की रक्षा के लिए किसी न किसी को रखा जाता है दास दासी के रूप में, उसी प्रकार किसी भी पुरुष को नहीं बल्कि अष्ट सखियों से हमेशा घिरी रहेंगी माँ पद्मावती। उनकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ होंगे क्योंकि एक राजकुमारी जितनी सुंदर होनी चाहिए उससे भी कहीं अधिक सुंदर होंगी माँ पद्मा। लेकिन चूंकि आज किसी को ये पता नहीं है कि सिंघल द्वीप में जहाँ पर माँ पद्मावती का घर है, जिसे आज श्रीलंका कह रहे हैं, कहाँ पर, किस द्वीप पर, किस जगह पर माँ पद्मावती आज भी गुप्त रूप से न सिर्फ रह रही हैं बल्कि अष्ट सखियों के साथ घिरी हुई अपने दिनचर्या को आगे भी बढ़ा रही हैं। और मैसेंजर के रोल में सुखदेव जी हमेशा उनके साथ एवं कल्कि देव के साथ जुड़े हैं। तो भगवान शिव का आशीर्वाद माँ पद्मावती के साथ कि भले ही स्वयंवर रचा लो, कितने भी लोग देखने के लिए उन्हें राजकुमार आए, लेकिन मोस्ट सुटेबल मैच ऑलरेडी उनके लिए जन्म ले चुका है धरती पर, एकमात्र वही सुटेबल मैच है यानी कल्कि देव और माँ पद्मावती का विवाह, पहली शादी उन्हीं के साथ, और माँ राम जी के रूप में कल्कि देव का विवाह होगा माँ रमा के साथ, जो इस धरा पर राम जी के वादे के अनुसार आज भी विद्यमान है, क्योंकि उनका भी आगमन, उनका भी धरा पर रहना एक खास उद्देश्य के तहत, क्योंकि अलग अलग रूपों में कल्कि देव के मिशन में वो भी अपना साथ देंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई